हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विजॉइन। इक्विजॉइन नाम से क्लियर है यहाँ पे कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। इक्वल मतलब किसी भी एट्रीब्यूट के बीच में हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना है। इक्वल वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे, जिस एग्जांपल में हम सीक्वल की क्वेरी को फ्रेम करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्वेरी या तो गिवन होती है, उसके बेस पे मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आप एक सिनेरियो दिया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं, और उसके बेस पे अगर आप क्वेरी लिख सको, क्वेश्चन के बेस पे अगर आप क्वेरी लिख सको, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। बिकॉज अगर क्वेरी फ्रेम करनी हमें आ गई, फिर तो ऑब्वियसली मैं कोई भी क्वेश्चन जो है सीक्वल का वो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट। एम्प्लॉई टेबल में एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई नेम, एड्रेस तीन कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन एंड एम्प्लॉई नंबर, ये डिपार्टमेंट टेबल में तीन कॉलम्स है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉई नेम हु वर्कड इन अ डिपार्टमेंट हैविंग लोकेशन सेम एज देयर एड्रेस। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि मेरे को एम्प्लॉई के नेम्स फाइंड आउट करने हैं, बट किन के, जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट की जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए एम्प्लॉई के एड्रेस से। मतलब एम्प्लॉई वन जिसका नाम राम है, अगर वो दिल्ली में काम कर रहा है, अगर वो दिल्ली से बिलोंग करता है, तो वो दिल्ली में ही काम करना चाहिए। मतलब उसका जो डिपार्टमेंट है वो भी दिल्ली में ही हो, तो मुझे वो जो है आउटपुट, एज ए आउटपुट मुझे वो फाइंड आउट करनी है। अब मैं एक चीज आपको और यहाँ पे बता देता हूँ, इक्वी ज्वाइन की ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार नेचुरल ज्वाइन की वीडियो जरूर कवर कर लेना, नेचुरल ज्वाइन की वीडियो जरूर वॉच करना, बिकॉज उस ये सारा लिंक्ड है। ज्वाइंस के जितनी भी वीडियोज मैं कवर करूंगा ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो एकदम से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा एक बेसिक जो है ज्वाइंस के बारे में, ज्वाइंस होते क्या है, नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगा। आप प्लीज पहले वो वीडियो जरूर वॉच कर लें। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आउटपुट यहाँ पे इन दोनों टेबल्स को देख के अगर मैं आउटपुट फाइंड आउट करूँ तो क्या आउटपुट आएगी, वन राम who belongs to Delhi and he is working in, department 1 and department 1 की location भी Delhi है। तो यानी मेरे output में क्या आना चाहिए, राम आना चाहिए। अगर मैं दूसरा देखूं, वरुण whose employee number is 2 is working in Pune, 2 is working in a department which is in Pune, but वरुण belong कहाँ से करता है, चंडीगढ़ से। तो यानी output में ये नहीं आना चाहिए। रवि employee 3, Employee 3 तो इसमें है ही नहीं, डिपार्टमेंट टेबल में एम्प्लॉई नंबर में एम्प्लॉई 3 है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि रवि जो है वो एम्प्लॉई तो है, लेकिन उसको अभी तक कोई डिपार्टमेंट जो है वो एलोकेट नहीं हुआ, बिकॉज ये एम्प्लॉई नंबर यहाँ पे फॉरन की है जो रेफरेंस ले रही है इस प्राइमरी की से, एम्प्लॉई के इस प्राइमरी की से। तो यहाँ पे हम वही वैल्यूज डालेंगे जो इस टेबल में होनी चाहिए। ऐसी अगर मैं 4 की बात करूं, अमृत ही बिलोंग्स टू दिल्ली एंड ही इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट D3 व्हिच इज इन पटना, तो ये एड्रेस भी सेम नहीं है। तो यानी आउटपुट में सिर्फ क्या आना चाहिए, राम। तो ये आउटपुट लाने के लिए मेरे को क्वेरी कैसे लिखनी पड़ेगी, जॉइंस की हेल्प से मैं ये क्वेरी लिख रहा हूं। तो जॉइंस में हम हमेशा क्या करते हैं, सेलेक्ट के साथ तो हम वो लिखते हैं कि जो मुझे आउटपुट में दिखाना है, What I need to display in the output. तो select के साथ employee का name मेरे को print करवाना है, तो select employee name, from, अब जब भी हम SQL की query को लिखते हैं सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि मेरे को किन tables की जरूरत है, क्या मुझे सिर्फ employee table चाहिए या मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट चाहिए या मुझे दोनों टेबल्स चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें आपको दोनों टेबल्स चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉई का नेम एम्प्लॉई टेबल में है एंड वो कहाँ पे काम कर रहा है, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, वो डिपार्टमेंट टेबल में है। तो मेरे को दोनों टेबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखता हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल नेम 1 कॉमा टेबल नेम 2, टेबल नेम 1 कॉमा टेबल नेम
2. और वैसे भी जब भी हम क्वेरी स्टार्ट करते हैं, क्वेरी जब भी कंपाइल होती है वो हमेशा फ्रॉम से होती है, क्योंकि सबसे पहले हम टेबल्स देखते हैं. जैसे ही मैंने एम्प्लॉई कॉमा डिपार्टमेंट लिखा, एम्प्लॉई कॉमा डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली इन दोनों टेबल्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट का फंडा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ज्वाइन होते क्या है, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, इट इज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन. मतलब जब भी हमें ज्वाइन करना है क्रॉस प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है. तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही मैं एम्प्लॉई कॉमा डिपार्टमेंट लिखूंगा, आप बाय डिफॉल्ट समझ जाओ कि इन दोनों टेबल्स के बीच में क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. और क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, अगर इस टेबल में m नंबर ऑफ रोज है, इसमें n नंबर ऑफ रोज, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी mn. मतलब इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12. तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट को यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट टू सेव द टाइम. करना क्या है आपको, फर्स्ट रो को उठाओ, 1 राम डेली, उसको तीनों रो से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से कर दिया. फिर दूसरी रो को उठाओ, उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे टेबल की. तीसरी रो उठाओ और उनको तीनों से मल्टीप्लाई. चौथी रो उठाओ, उनको तीन से मल्टीप्लाई. तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 12. उनमें से ये जो पहले तीन कॉलम है ये बिलोंग करते हैं एम्प्लॉई से, और ये तीन कॉलम है डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट टेबल. लेकिन ये पूरा जो है एक टेम्परेरी टेबल की तरह विजिबल होगा, ये पूरा एक टेबल की तरह विजिबल होगा. तो अब क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद मुझे फाइनल में कंडीशन अप्लाई करनी है, बिकॉज ज्वाइन इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन. अब यहां पे कंडीशन क्या लगानी है, वेयर. कंडीशन हम कैसे लगाते हैं, बाय यूजिंग वेयर क्लॉज. वेयर सबसे पहले जब भी दो टेबल्स को हमें ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसको बराबर रखना है. वो तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये टेबल दे रहा है एम्प्लॉय की डिटेल, ये दे रहा है डिपार्टमेंट की डिटेल. लेकिन इसमें जो एम्प्लॉय नंबर है वो क्या बता रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो ये टेबल बताएगा एम्प्लॉय कौन है, और ये टेबल बता रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय किस टेबल में काम, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. तो मेरे को इन दोनों टेबल्स के एम्प्लॉय नंबर को बराबर रखना ही पड़ेगा, ये तो मिनिमम कंडीशन आपको लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी क्वेरी जो है वो सही नहीं चलेगी. सो वेयर एम्प्लॉय, मैं यहां लिख देता हूं, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर. मतलब एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है उसकी वैल्यू इक्वल हो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है. इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लॉय टेबल में भी हो, वही नंबर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट टेबल में भी हो, तब भी हमें ऑथेंटिक रिजल्ट मिलेगा. हमें ऑथेंटिक रिजल्ट कब मिलेगा, जब वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल में भी बिलोंग करता है और उसकी वैल्यू डिपार्टमेंट टेबल में भी बिलोंग करते हैं. क्योंकि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं जो एम्प्लॉय तो है लेकिन अभी उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला, जैसे रवि है, रवि इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय टेबल बट उसको अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं मिला, तीन अभी किसी को मिला नहीं. तो ऐसी वैल्यूज को हमें नेग्लेक्ट करना है, उसको मुझे बाहर निकालना है ऐसी वैल्यूज को, तो उसके लिए मुझे ये कंडीशन तो मिनिमम लगानी ही पड़ेगी. तो जहां पे भी आपका इक्वल आ गया आप समझ जाओ दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्वी ज्वाइन. ऑल्दो यही सेम कंडीशन हमने नेचुरल ज्वाइन में भी अप्लाई की थी, लेकिन नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में फर्क क्या है, नेचुरल ज्वाइन हमेशा इक्वल करता है कॉमन एट्रीब्यूट को. अब दोनों टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, ई नंबर, ई नंबर, तो उनके बीच में जब भी इक्वल लगाओगे दैट इज अ नेचुरल ज्वाइन. लेकिन इक्वी ज्वाइन में हम कोई भी एट्रीब्यूट्स के बीच में इक्वल लगा सकते हैं, और इसीलिए मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो एम्प्लॉय का नेम फाइंड करो जो डिपार्टमेंट में काम करता हो. ये क्वेरी मेरे को एम्प्लॉय का नेम दे देगी जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन उसका जो लोकेशन है डिपार्टमेंट का वो सेम होना चाहिए एम्प्लॉय के एड्रेस से. तो यानी मेरे को यहां पे एंड लगा के एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एम्प्लॉय डॉट एड्रेस.
should be equal to department dot city. Department dot, sorry, it is location. So column ka name jo hai wo same hona chahiye. Agar column ka name aap galat likh doge to query obviously wrong output aapki degi ya error jo hai wo create karegi. But filhal hum abhi isko kisi interface pe aur Oracle pe ya SQL server pe run nahi kar rahe. Hum iska sirf concept dekh rahe hain. To concept mein bhi aapko kahin na kahin column ke names jo hai wo same hi rakhne padenge jo table ke andar hai. So employee dot address is equal to department dot location. Ab hum isko iske upar implement karte hain kyunki jab bhi ye query run karegi sabse pehle from employee comma department. Jaise employee comma department ka matlab kya hai, dono ke beech mein cross product, to ye output aayegi. Ab is output ke upar aapko do condition chalani hai and ke sath ki jo employee kisi na kisi department mein bhi kaam karta ho and us employee ka address डिपार्टमेंट की लोकेशन के बराबर हो, सेम हो. तो एम्प्लॉय का नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का नंबर, ट्रू. ये कंडीशन ट्रू हो गई फर्स्ट वाली, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, ट्रू. एंड एड्रेस इज इक्वल टू सिटी लोकेशन, यस. दिस कंडीशन इज ऑल्सो वैलिड. तो फर्स्ट रो जो है वो ट्रू. अब दूसरी रो, वन एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय नंबर, वन इज इक्वल टू टू, नो, फॉल्स. तो यहां पे अगर फॉल्स हो गया तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज फॉल्स एंड वट एवर इट इज, फॉल्स हो या ट्रू हो, आउटपुट में हमेशा फॉल्स ही आएगा. बिकॉज पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो एंड हमेशा फॉल्स ही क्रिएट करेगा. सो दिस रो विल बी रिजेक्टेड. ऐसी वन इज इक्वल टू फोर, वन इज इक्वल टू फोर, नो. टू इज इक्वल टू वन, नो. टू इज इक्वल टू टू, यस. दिस कंडीशन इज वैलिड. पहली वाली कंडीशन वैल्यू होगी जो वैलिड है बिकॉज इंप्लॉय नंबर इज इक्वल टू इंप्लॉय नंबर, टू इज इक्वल टू टू. अब दूसरी कंडीशन, एंड चंडीगढ़ इज इक्वल टू पुणे, एड्रेस इज इक्वल टू लोकेशन, नो, दिस इज इनवैलिड. ये बराबर नहीं हुई तो उसकी वजह से फॉल्स हो गई. तो ओवरऑल रिजल्ट भी फॉल्स. फॉल्स का मतलब इस रो को रिजेक्ट कर देंगे, फाइनल में ये रो नहीं आएगी. देन टू इज इक्वल टू फोर, ये तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई. थ्री इज इक्वल टू वन, पहली कंडीशन फॉल्स. 3 is equal to 2, पहली कंडीशन फॉल्स. 3 is equal to 4, पहली कंडीशन फॉल्स. 4 is equal to 1, पहली कंडीशन फॉल्स. लेकिन अगर आप इस रो को मैं ध्यान से बता देता हूं आपको, ध्यान से चेक करो कि दिल्ली इज इक्वल टू दिल्ली, यहां पे लोकेशन और सिटी, जो एम्प्लॉय का एड्रेस है और सिटी लोकेशन है, वो दोनों सेम आ रही है. लेकिन वो एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, वो इंप्लॉय जहां पे काम कर रहा है वो वाली वैल्यू हमें उठानी है. तो 4 इज इक्वल टू 1, सो दिस 4 वैल्यू इज आल्सो नॉट इक्वल टू 2, सो दिस रो विल बी रिजेक्टेड. नाउ द 4 इज इक्वल टू 4, यस. एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय नंबर और डिपार्टमेंट के अंदर भी एम्प्लॉय नंबर, ये दोनों वैल्यूज बराबर है. बट सिटी सी द एड्रेस, एड्रेस इज दिल्ली एंड हेयर द लोकेशन इज पटना, सो दिस इज नॉट वैलिड. तो ये वाली सारी रोज जो है वो रिजेक्ट होती है, सिर्फ ये वाली रो जो है वो सेलेक्ट हो रही है. अब इस रो में से ये सारी ने आउटपुट क्या दिया, इतनी पूरी क्वेरी ने आउटपुट क्या दी, ये वाली रो. अब इस रो में से मेरे को क्या सेलेक्ट करना है, सिर्फ एम्प्लॉय नेम. सो व्हाट इज एम्प्लॉय नेम, राम. सो फाइनल में आउटपुट मेरे पास क्या आ रही है, राम. सो दिस इज हाउ द इक्वी ज्वाइन एक्चुअली वर्क्स. बस इक्वी ज्वाइन में हमेशा याद रखना, किसी भी एट्रीब्यूट्स के बीच में हम इक्वल का ऑपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर दो टेबल्स में कुछ कॉमन है, उनके बीच में जो कॉमन एट्रीब्यूट के बीच में हमेशा आपको इक्वल लगाना है अगर आपको ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वी ज्वाइन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.